अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जी बी टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लैपटॉप या पीसी पे ऑडियो कैसे रिकॉर्ड की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, गूगल पे जाके आपने सर्च करना है ऑडियो सिटी। ऑडियो सिटी सर्च करके आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद ये देख लें, ये ऑडियो सिटी फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑडियो सॉफ्टवेयर, ये रिकॉर्डर है जिसमें आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देख लें, इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आप अपने सिस्टम या लैपटॉप में इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये जो रेड बटन है, ये देख लें रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आप इसमें कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके देख ले, वेलकम, मैं बोलता हूँ वेलकम टू जी बी टेक। अब इस पर आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके इफेक्ट में आपके देख ले, इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। चेंज स्पीड क्लिक करके ये देख ले, इसमें आप इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट में आपको नॉइस रिडक्शन है इस तरह की, बहुत इको है, आप इस पर इको लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, मैं इसको दो रखता हूँ, रिव्यू जरा सुनाता हूँ। ये देख, अब ये देख, इसमें इस तरह की बहुत सारी फंक्शन मौजूद है जिसकी वजह से आप अपने ऑडियो की जो है क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा इसे एम्पलीफाई का ऑप्शन है, इसके अलावा ये देख ले चेंज स्पीड फेड आउट फेड इन यूटिलाइजेशन, इसमें ये देखते हैं, इसमें आप अपने वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हैं, इसमें अपने वॉल्यूम की सेटिंग कर सकते हैं। ये देख ले, इसको आप ऊपर देख लें। उसके बाद ये देख ले, फिर इसको आप रिव्यू ऑन करके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपने इस फाइल को फाइल करके वो करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट आप किस में करोगे, MP3 में एक्सपोर्ट है, MP3 कर ले। फिर उसके बाद आप डेस्कटॉप में रख ले या जहाँ मर्जी रख ले, यहाँ पे सेव कर दें। उसके बाद अब यस ओके, अब ये देख ले, अब आपका ये फाइल MP3 फॉर्मेट में आ गया है। ये देख लें, अब आपका ये फाइल MP3 फॉर्मेट में हो गया है। तो इस ऑडियो सिटी को इस्तेमाल करके आप ऑडियो को बेहतर से बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें ये देख लें, अगर आप में बीच में से कहीं पे कट कर लेना है तो फिर ये कट का भी ऑप्शन मौजूद है, कंट्रोल ए करके कट। ये देख लें, इस तरह इसमें बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने ऑडियो की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।